नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोग के लिए न्यू गुड न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यू अपडेट है वो यहाँ पर ये है कि इसकी डेट जो है आगे बढ़ गई है, ठीक है। तो अब आप लोग जो है 18 जुलाई तक फॉर्म में करेक्शंस कर पाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर करेक्शन करना है पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी भी फॉर्म करेक्शन नहीं किया या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पर जो अपना सेंटर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से चेंज करना है वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो पहले जो न्यू अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ, काफ़ी लोग को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग ने फॉर्म में करेक्शन तो कर दिया पर पेमेंट का उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से पेमेंट करनी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेम यहाँ पर प्रोसेस है पर आप लोग क्या पता क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर जो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। चलते हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे MPSB की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट स्टार्ट फॉर्म, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई वाले सेक्शन में यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है तो आपको यहाँ पर जो है वेबसाइट ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है दिखा होगा भुगतान पश्चात संशोधन, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो है आप 15 जो है इसकी अंतिम तिथि थी जो कि यहाँ पर बढ़ाकर 18 जुलाई कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल इशू आ रहा था, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, ठीक है। और पहले भी यहाँ पर जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे 9 और 10 तारीख को तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी, वेबसाइट कई बार यहाँ पर ओपन नहीं हो रही थी या बैक कर रही थी, ठीक है, कैंसिल हो जा रहा था फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको और समय दे दिया गया हुआ है, 18 जुलाई तक यहाँ पे आप फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई भी गलती अभी भी यहाँ पर जो है अगर आपसे हुई हुई हो, ठीक है, तो आप लोग के पास समय है, आप लोग यहाँ पर जो है उसको अपडेट कर सकते हैं, अपने फॉर्म को करेक्शंस कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेक्शंस करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रीन सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है अब आप लोग के पास जो फॉर्म था जो आपने यहाँ पर पहले भरा था उसका यहाँ पर जो है आईडी आपको देना है, चेक मार्क पे क्लिक कर देना है, आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना है। काफ़ी लोग पूछते हैं कितना पैसा लगेगा करेक्शन का, तो 60 रुपये यहाँ पर चार्ज आपका लगेगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, 60 रुपये आपका चार्ज लगेगा। और अब जब आप पेमेंट करें तो उसका यहाँ पर जो है आपको प्रिंट आउट ले लेना है, PDF सेव कर लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है कभी भी अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो आप लोग उस नंबर से आपका फॉर्म सर्च कर पाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ वहाँ से ही आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक डाल देना है, ट्रांजैक्शन आईडी डाल देना है और यहाँ पर जन्मतिथि डाल देना है, कैप्चा आपको डाल देना है, सत्यापित आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक कर देना है। तो सारी चीज़ हम लोग फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर जो है सारी डिटेल डालेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर एज इट सेम रहेगा, आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे। आपने जो लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस रखें उसको आप फर्स्ट पे रख सकते हैं, सेकंड पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग सेंटर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इंदौर सेलेक्ट कर लिया, भोपाल सेलेक्ट कर लिया, जबलपुर सेलेक्ट कर लिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सिटी में सेंटर यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ एज इट इज़ रहेगी, जैसे आपने फॉर्म भरा था लास्ट में आपको सबमिट करना है, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट ले लेना है, उसके बाद आप लोग को कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। कई लोग प्रिंट ले रहे हैं पर यहाँ पे जो है कंफर्म जो पेमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो कंफर्म पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, वहाँ से जो है आप लोग पेमेंट कर पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल पेमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग पेमेंट का आपका स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग पेमेंट जब करेंगे ना आपने फॉर्म करेक्शन का, तो अगर कोई रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, रेफरेंस आईडी जनरेट होती है, तो आपकी उसको फोटो ले लेनी है। इस तरीके से MP ऑनलाइन का रेफरेंस नंबर रहता है, ट्रांजेक्शन नंबर, वो आपको यहाँ पर जो है ले लेना है, ठीक है। बाकी आप अगर कभी भी यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उस ट्रांजेक्शन आईडी को यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं, आपका पेमेंट स्टेटस देख पाएंगे, ठीक है, बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, ठीक है। जैसे कई लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट फेल हो चुका है, हमारा पेमेंट कट गया है, फिर भी फॉर्म में बता रहे हैं कि भुगतान नहीं हुआ है, इस तरह की जो समस्या आपको आती है तो आप लोग यहाँ पे जो है रेफरेंस आईडी के नंबर से पेमेंट स्टेटस चेकआउट कर पाएंगे, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MPOnline.gov पोर्टल सर्विस ये डबल पेमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर जो है इसका URL है, यहाँ पे जो है आप लोग वेरीफाई कर पाएंगे, इससे आपको समझ में जाएगा कि हमारा पेमेंट जो है कटा है या नहीं कटा है, ठीक है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, पेमेंट करने के बाद जो फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा या PDF में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपका फाइनल प्रिंट रहेगा, क्योंकि आपने फॉर्म में करेक्शन किया है। ओल्ड वाला तो यहाँ पर जो है अब नहीं रहेगा, जो आपका फाइनल प्रिंट रहेगा जिसमें आपने चेंजेस किए हैं वही आपका फाइनल PDF
PDF रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है MP पुलिस के लिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी वेबसाइट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपसे कोई फॉर्म भरते टाइम गलती हो गई है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है फॉर्म को करेक्शंस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो कमेंट्स भी किया था, कहीं बोल रहे थे कि मेरे टेम्पलेट में फ़ोटो यहाँ पर पुरानी है, क्या मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। तो आपका फॉर्म पहले ही ऑलरेडी भरा चुका है, आपको टेम्पलेट यहाँ पर जो है अपडेट करनी होगी, ठीक है। सिग्नेचर, डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी फ़ोटो है वो 3 महीने से पुरानी यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी दिया रहता है। तो आप लोग यहाँ पर जो है फ़ोटो अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें आप चेंज करिएगा, ठीक है। ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। नाम जो है सिर्फ एक बार चेंज होता है, वो आधार कार्ड से लेता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो जो आपका आधार कार्ड में नेम होगा वही यहाँ पर ये नेम लेगा, क्योंकि आधार कार्ड से यहाँ पर ये डेटा लेता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। फादर नेम आप लोग यहाँ पर करेक्शन करने में इसलिए प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है, टेम्पलेट बनाते टाइम वही आपने डाला है, तो वही यहाँ पर जो ये इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर और भी कोई आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म करेक्शंस अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो आपको ज़रूरत है, आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, तो आप उसको संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं। 18 जुलाई का आपको समय दिया जाता है। तो आई दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। MP कॉन्स्टेबल की अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।